अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ शफक नूर एंड माय रोल नंबर इज़ 18367 और मेरा प्रोजेक्ट का नेम है एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइडर सिस्टम बनाना है, जिसमें एक लॉगिन मॉड्यूल ऐड करना है और जिसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और दो या तीन अदर मॉड्यूल्स ऐड करने हैं। इसकी कोडिंग देख लेते हैं। इसकी कोडिंग में ये लॉगिन पेज बनाया और इसमें दो मॉड्यूल्स एम्बुलेंस और हॉस्पिटल के नेम से ऐड किए हैं और ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं और ये रेफरेंस लाइब्रेरी, यहाँ पे MySQL कनेक्टर यूज किया है, हमने रखा हुआ है जो कि डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज होगा। और अब हम इसके डिज़ाइन देख लेते हैं लॉगिन का। लॉगिन के डिज़ाइन में हमने चार लेबल्स यूज़ किए, दो टेक्स्ट फील्ड यूज़ किए और एक पासवर्ड फील्ड यूज़ किए। रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे हमने एक बटन लगाया है। अब सोर्स कोड देख लेते हैं। सोर्स कोड में क्या है हमारे पास? सोर्स कोड में हमने JFrame.ExitOnClose, मतलब जब भी हम क्लोज का बटन दबाएं तो वो एग्जिट कर जाए। और यहाँ पे हमने इसकी बॉन्ड सेट की है कि वो कितना उसका बॉन्ड्स हो, और ये यूजर नेम के लिए का लेबल बनाया और उसमें हमने उसका 13 उसका साइज रखा है, फॉन्ट साइज रखा है। और तोहमा जो है वो उसका फॉन्ट है, यहाँ पे हम कोई और भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने उसकी बॉन्ड सेट कर दी और उसको ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ईमेल के लिए भी सेम हमने यूज किया है, 13 ही सबका साइज रखा हुआ है और तोहमा ही उसका फॉन्ट रखा हुआ है, उसके स्टाइल फॉन्ट स्टाइल रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड का और टेक्स्ट फील्ड का सेम यूज कर लिया यहाँ पे, और फिर पासवर्ड फील्ड में भी सेम ऐसे ही हमने ऐड कर लिया। रजिस्ट्रेशन का बटन लगाया, वहां पे हमने एक्शन परफॉर्म में लिखा ट्राई और कैच का लिखा हुआ है एक्सेप्शन। और यहाँ पे ट्राई में हमने क्या किया, MySQL कनेक्टर के लिए हमने ये तीन लाइंस यूज किए हैं। यहाँ पे MySQL को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए लोकल होस्ट और फॉर्म जो है वो हमारे डेटाबेस का नेम है और लॉगिन टेबल का नेम है। और यहाँ पे टेबल में जितनी भी एंट्रीज करवाई है वो आएंगी और वैल्यूज में जितनी एंट्रीज करवाई है उतने क्वेश्चन मार्क्स उसकी आएंगे उसकी वैल्यूज के लिए। और यहाँ पे गेट टेक्स्ट से यूजर नेम को टेक्स्ट को गेट करने के लिए यूज किया गया गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे ईमेल का और यहाँ पे पासवर्ड के गेट टेक्स्ट। और यहाँ पे सेम हमने बटन के लिए उसका साइज रखा और उसकी जो है वो बॉन्ड सेट की, और सेम रजिस्ट्रेशन के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है हॉस्पिटल का, हमने एक मॉड्यूल बनाया। उसके डिजाइन में हमने क्या रखा, डिजाइन में हमने पांच हमने ये लेबल्स बनाए हैं। उसके बाद ये हमने क्या बनाया है, कॉम्बो बॉक्स बनाया है और दो कॉम्बो बॉक्स बनाए हैं, दो हमने रेडियो बटन लगाए हैं, एक टेक्स्ट फील्ड लगाई है और एक कॉल एम्बुलेंस का हमने वो लगाया है बटन लगाया है। अब इसके सोर्स कोड को देख लेते हैं। सोर्स कोड में हमारे पास क्या है, सोर्स कोड में हमारे पास एग्जिट ऑन क्लोज, जैसे हमने पिछले में क्लोज का बटन दबाने पे एग्जिट कर जाए फ्रेम वो दिया था, यहाँ पे भी वैसे ही सेम दिया है। और यहाँ पे हमने दो एरे बनाई है आइटम्स और हॉस्ट के नेम से। हॉस्ट यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए और आइटम्स जो हम लोग ऐड किए हैं डॉक्टर में, जैसे यहाँ पे जो भी हमने आइटम्स जो भी हमने ऐड किए हैं उनको हमने आइटम्स का नेम दिया है, और यहाँ पे जो ऐड किए हैं उसको हमने हॉस्ट का नेम दिया है हॉस्पिटल में। इन दोनों के नेम की हमने एरे बनाई है, उसकी बॉन्ड सेट की है। और उसके बाद यहाँ पे सेम लेबल बनाया है कॉल एम्बुलेंस का, उसका साइज वगैरह दिया है और उसकी बॉन्ड सेट की है। और यहाँ पे डॉक्टर का सेम कॉम्बो बॉक्स में यहाँ पे हमने आइटम्स लिखा है, मतलब जो ये आइटम्स किस आइटम्स को यहाँ पे इन आइटम ये वाली आइटम्स इससे कॉम्बो बॉक्स के अंदर आ जाएंगी एरे की फूड एरे में की तरह। और यहाँ पे सिलेक्ट का बटन सिलेक्ट का हमने लेबल यूज किया, और यहाँ पे नॉर्मल वार्ड का रेडियो बटन यूज किया, उसके बाद इमरजेंसी का रेडियो बटन और उसकी बॉन्ड सेट की है, और हॉस्पिटल का लेबल सेम वैसे ही सारा कुछ किया। और यहाँ पे बटन में हमने दो लाइंस दी हैं, इन लाइंस में हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है एम्बुलेंस, हमारी नेक्स्ट क्लास का नाम एम्बुलेंस था, ताकि हम जब बटन कॉल एम्बुलेंस को क्लिक करें तो वो हमें नेक्स्ट मॉड्यूल में ले जाए। उसको जब रन करेंगे तब देखिएगा यहाँ पे यहाँ से वो नेक्स्ट मॉड्यूल में ले जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है एम्बुलेंस का, एम्बुलेंस में हमने सेम जैसे हमने पिछले में ऐड किया सेम वैसे ही है। यहाँ पे एम्बुलेंस का पहले डिजाइन देख लेते हैं। डिजाइन में हमारे पास सेवन जो है वो लेबल्स ऐड किए हैं,
और 5 हमने टेक्स्ट फील्ड ऐड की हैं, 2 रेडियो बटन और 1 सबमिट का बटन ऐड किया है। और सेम हमने कोडिंग में उसके सेम वैसे ही उसका फॉन्ट साइज दिया है और उसके बॉन्ड्स वगैरह सेट किए हैं। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबमिट के बटन में हमने यहाँ पे system.exit0 लगा दिया कि जब भी सबमिट का बटन प्रेस हो तो वो सिस्टम जो है वो एग्जिट हो जाए, सिस्टम बिल्कुल एग्जिट कर जाए, इसलिए हमने system.exit0 की यहाँ पे दिया। अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं। रन कर यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड रजिस्टर, और यहाँ पे हमने सेलेक्ट डॉक्टर को भी टर्मों को रजिस्टर किस वार्ड में जाना चाहते हैं और हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लो, नियरली हॉस्पिटल जाना चाहते हैं, और यहाँ पे कुछ भी दे दो, स्ट्रीट नंबर 1, 2, 3, सिटी ABC, ओके यस। और उसके बाद कॉल एम्बुलेंस को प्लस करने से नेक्स्ट आ जाते हैं। पेशेंट नेम शफक, सर नेम एज एंटर कर देते हैं, आईडी में आईडी कार्ड नंबर जो भी हो 1, 2, एंड देन सेलेक्ट जेंडर एंड देन सबमिट। थैंक यू।